सर बहुत बड़ी खबर आ रही है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं रेसलर से इनकी जान को खतरा बताया है, जो इनके वकील है कपिल सिब्बल। आखिर किन से इनको खतरा है और इनके लिए जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए कहा है कि इनको सिक्योरिटी दी जाए, इनकी जान को खतरा है, आखिर किससे इनको खतरा हो सकता है? क्या ब्रजभूषण सिंह से या फिर कोई और है? बताओ इसके बारे में। जी, बृजभूषण शरण सिंह का जो मामला है इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट में है और आज इन पर एफआईआर भी दर्ज होगी। लेकिन दूसरी तरफ जो कपिल सिब्बल हैं, महिला खिलाड़ियों की तरफ से जो वकील हैं, उन्होंने एक बड़ी चिंता जाहिर की है कि जो महिला खिलाड़ी हैं इनकी जान को खतरा है। उन्होंने साफ तौर से बात सुप्रीम कोर्ट में कही है कि इनके लिए जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके इंतजाम किए जाएं, क्योंकि मतलब किस आधार पे कहा है उन्होंने कि इनकी जान को खतरा इसके लिए उन्होंने दो तीन बातें कही हैं। पहले भी इनको धमकी मिली है, है? कई इनको फोन कॉल तक आए हैं, जो इनके पास उसकी ऑडियो क्लिप भी हाँ, है। बजरंग पूनिया ने भी किया था हाँ, इस बात का खुलासा। इसके जी अलावा और भी इनको यानी डराने और धमकाने का यानी कई तरह के प्रयास किए गए हैं। खुद विनेश फोगाट ने कहा था कि पिछले 2.5-3 महीने में काफी यानी वो एक मेंटली तरीके से यानी उनको टॉर्चर किया जा रहा है और वो बेहद परेशान है। तो इसको लेकर महिला खिलाड़ियों ने भी ये बयान दिया था कि अगर उनकी जान को कुछ होता है, उनको कुछ नुकसान पहुंचता, तो इसके जिम्मेदार ब्रजभूषण होंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं जो ब्रजभूषण है उनका जो मामला रहा है उन पर कई केस भी दर्ज हैं। इसको लेकर कपिल सिब्बल ने ये भी जिक्र किया है कि इन पर धारा 302 यानी ये हत्या का मामला समेत 40 केस दर्ज है। और एक इंटरव्यू में खुद ब्रजभूषण ने कहा था कि मैंने एक हत्या की है। तो इनका जो इतिहास है वो भी आपराधिक रहा है। तो ब्रजभूषण के जो लोग हैं उनसे एक तरह का जान का खतरा हो सकता है, क्योंकि अब ब्रजभूषण पर कार्रवाई होती दिखाई दे रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इन पर गंभीर धाराएं भी लग सकती हैं पोक्सो एक्ट के तहत, क्योंकि जिन 7 जो जूनियर महिलाओं ने याचिका दायर की है उनमें से एक नाबालिग भी है और वो इस वक्त राजधानी छोड़कर चली गई है, ये बात भी कही जा रही है, जो उनमें से एक नाबालिग है।